हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक करें और आपका ध्यान रखें। टेक केयर फ्रेंड्स। आज हम स्पाइसी सोया पिज्ज़ा बनाएंगे। स्पाइसी सोया पिज्ज़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स होम में जितने इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल होती है फ्रेंड्स उसी से ही हमें बड़े ही आराम से पिज्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी पिज्ज़ा। आटा से पिज्ज़ा बनाएंगे और फ्रेंड्स बहुत सारे वेजिटेबल हम यूज़ करेंगे। स्पाइसी सोया पिज्ज़ा बनाने के लिए हम सारा इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। फर्स्ट हमें हॉट वाटर में ये जो 100 ग्राम सोया को ऑब्जर्व कर लेंगे। इसका वाटर अच्छे से रिमूव कर लिए हैं। इसको हम बैटर के साथ ऑब्जर्व कर लें। बैटर बनाने के लिए फ्रेंड्स 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून मैदा और जो सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, इसको हम अच्छे से बैटर बना के सोया को अच्छे से ऐड कर लिए हैं फर्स्ट। इसके बाद हम सारा इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। ये देखिए, ये होममेड रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लेंगे। ये एलोपिनो हम मार्केट से भी ले सकते हैं और ये हमारा 1/2 कैप्सिकम चॉप्ड करके काट सकते हैं। आप बड़े साइज करके भी कट कर सकते हैं। ये 4 से 5 टीस्पून टोमेटो सॉस हम यूज करेंगे। 1/2 कैरेट आप स्मॉल पीसेस करके कट कर सकते हैं। 1/2 टोमेटो को हम स्क्वायर पीसेस करके कट कर सकते हैं। ये 4 से 5 पीसेस गार्लिक को चॉप्ड कर लेंगे और ग्रीन चिल्ली 4-5 पीसेस हम उसको चॉप्ड करके रखे हैं स्मॉल पीसेस करके। ये 1/2 लेमन हम यूज करेंगे। ये देखिए, ये 200 ग्राम आटा को हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर देके और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके अच्छे से हम उसको वेरी स्मूथ करके उसको गूंथ लेंगे। हमारा देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गई है। फर्स्ट हमें ये सोया को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेंगे। जब हम चीज क्वांटिटी देख के देंगे, अब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा यूज करेंगे, लेस खाएंगे तो लेस यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सोया अच्छे से पक चुकी है। अभी हम उसको हाई फ्लेम करके प्लेट में टिश्यू लगा के टेकआउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए तो सोया को हम प्लेट में रख लिए हैं। ये हमारे 1 टीस्पून ऑयल गर्म हो गई है। इसके साथ हमें सम गार्लिक और ग्रीन चिली को 2 सेकेंड्स के लिए पका के, ये देखिए हमारा गार्लिक और जो ग्रीन चिली अच्छे से पक गई है, इसका हम ये टोमेटो सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। अगेन हम 2 टीस्पून ऑयल में, ये देखिए, ये सम गार्लिक चॉप्ड और ये थोड़ा सा ग्रीन चिली के साथ हम सारे वेजिटेबल को हाई फ्लेम करके 1 मिनट पका लेंगे। देखिए ये वेजिटेबल वेरी सॉफ्ट लेफ्ट साइड इसके ऊपर हम ये लेमन जूस, ये 1/2 लेमन जूस हम ऐड कर लेंगे। इसके साथ हम कम सॉल्ट टेस्ट बेस को डालेंगे। इसको 1 मिनट ज़्यादा नहीं कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सारा वेजिटेबल अच्छे से हो गई है। हम उसको टेकआउट कर दिए हैं प्लेट में। फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा सा डो को हम अच्छे से सर्कल बना लेंगे। जो सर्कल बनेगा फ्रेंड्स थोड़ा सा थिक बनेगा। जो पिज्जा बेस के लिए हम उसको ज़्यादा थिन नहीं करेंगे, थोड़ा थिक बनाएंगे। पिज्जा बेस हमारा बहुत ही थिक हुआ है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट में, हमारा पैन गर्म हो गई है। ये देखिए 4 से 5 ग्राम बटर को हम अच्छे से लगा लिए हैं। ये देखिए, ये हमारा पिज्जा बेस अच्छे से हो रही है। इसको हम 1 मिनट हाई फ्लेम करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 मिनट के लिए कवर करके सिम कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 1 मिनट हाई फ्लेम हो गई है, तो अभी हम सिम करके कवर कर लिए हैं। ये देखिए, ये जो हमारा पिज्जा बेस है आधा पक चुकी है, आधा हुआ है, पूरा हुआ नहीं। अभी उसके ऊपर हम फ्रेंड्स सारे जो मसाले हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए, आप उसको 2 मिनट से भी कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अच्छे से टोमेटो सॉस को अच्छे से लगाएंगे, स्पाइसी दार बनाए है ना। ये देखिए, सारे टोमेटो सॉस हम अच्छे से ऐड कर लिए हैं। फिर उसके बाद
करके सारे वेजिटेबल को अच्छे से हम सजा लेंगे इसके ऊपर। सारे वेजिटेबल हम उसके ऊपर रख लिए हैं, इसके ऊपर हम अभी चीज ग्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ चारों तरफ अच्छे से चीज ग्रेट करके पका लिए हैं, इसको अभी हम 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे सील करके। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सोया को हम अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से सजा लिए हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम ये एलोपिनो को अच्छे से पका लेंगे, एलोपिनो पका लेंगे। इसके बाद हम ये रेड चिली होम मेड है, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, इसको गर्मा गर्म अच्छे से सर्व करें।